भगवान कृष्ण के रंग में देवभूमि रंगी हुई है, मंदिरों में जनसैलाब है, मंदिरों में भव्य सजावट देखते ही बन रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जन्माष्टमी की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भगवान के अलग अलग मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। श्रद्धालु का हुजूम भी देखा जा सकता है। पूरा उत्तराखंड काना के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि देवभूमि काना में हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देखें, हरिद्वार, देहरादून, चमोली, टिहरी से तस्वीर है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। हर मंदिर पूरी तरीके से सज चुका है, सभी भक्तगणों को बस देर रात का इंतजार है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। हरिद्वार, देहरादून, चमोली, टिहरी से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहाँ पर हर तरफ मंदिर सजे हुए हैं, शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और भक्त आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। देश भर में श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की धूम है। आज खास तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश और उत्तराखंड में भी तमाम आयोजन हो रहे हैं। देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। श्रद्धालु भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। भक्त श्री कृष्ण के भजनों पर झूम रहे हैं, तो वहीं जन्माष्टमी के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। जो भी श्रद्धालु हैं वो मंदिर तक आने और जाने के रास्ते में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आप देखेंगे मेरे पीछे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। महिला पुलिस को तैनात करने के साथ साथ सादे वर्दे में भी जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है, ताकि यहाँ आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं वो आसानी से दर्शन करें और दर्शन करने के बाद आसानी से अपने घर तक जा पाएँ। नोएडा के इस्कॉन मंदिर की अगर बात की जाए तो हजारों लोगों की भीड़ शाम तक यहाँ हो जाएगी। अभी भी काफ़ी लोगों का आना जाना यहाँ पर बना हुआ है। तमाम जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद वापस भी जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ये आज जन्माष्टमी का पर्व है और त्यौहार है, उसी के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में जो हमारा इस्कॉन मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। और इस मंदिर के अलावा भी जगह जगह जहाँ पर भी हमारे यहाँ त्यौहारों कार्यक्रम है जन्माष्टमी का, वहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस्कॉन मंदिर पर श्रद्धालु अपेक्षाकृत संख्या में काफ़ी अधिक रहते हैं, इसलिए यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें लगी हुई हैं। इनर गार्डन, आउटर गार्डन और इसके अलावा जो पार्किंग अन्य अन्य जगहों पर, सभी जगहों पर एक अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें लगी हुई हैं। और जो यहाँ के आयोजक मंडल हैं, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, उनसे हम लोगों ने बात की है। सोशल मीडिया, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है और ये सुरक्षा व्यवस्था हम लोग और ये त्यौहार सकुशल संपन्न कराएंगे। जो लोग शाम को दर्शन करने के लिए आएंगे, किस तरीके की गाइडलाइन उनको बताना चाहेंगे, जैसे रूट डाइवर्जन किया गया है? रूट डाइवर्जन पहले से पेपर में दे दिया गया है, आप लोगों के माध्यम से भी अवगत कराया गया था और ये हम लोगों के द्वारा बार बार सबको बताया गया है। जो निर्धारित मार्ग है जो पहले से पेपर में दिया गया है, उस मार्ग से लोग आएँ और जब सही मार्ग से लोग आते हैं तो दर्शन करने में असुविधा नहीं होती है और हम लोग दर्शन सकुशल संपन्न हो, त्यौहार सकुशल संपन्न कराएं, इसके लिए हम सब लोग सही हमारे सारे अधिकारी मुस्तैद हैं और यहाँ के व्यवस्थापक मंडल के साथ 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 काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो देखेंगे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं पूरी तरीके से मुस्तैद इनको यहाँ पर किया गया और चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ जो ड्रोन हैं उन पर भी, ड्रोन से भी निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके की समस्या यहाँ ना हो। और तमाम दमकल की अगर बात की जाए, दमकल की गाड़ियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, एम्बुलेंस को यहाँ पर तैनात किया गया है और तमाम जो लोगों की भीड़ है वो आप देख सकते हैं। इस्कॉन मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में इसी तरीके से जो लोगों की आवाजाही है उसको देखते हुए इस रास्ते को आज पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यहाँ पर किसी भी तरीके के जो व्हीकल है उनको एंट्री नहीं दी जा रही है, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं वो आसानी से दर्शन करके अपने जो घर है घर तक वो लोग जा सकें। पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर लिया गया है। वीडियो
जन्माष्टमी के अवसर पर नोएडा के इस्कॉन मंदिर में पूरी धूम है और यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो कृष्ण के भजनों पर झूम रहे हैं। तमाम लोगों की भीड़ है। आपको दर्शन कराएं, सामने कृष्ण और राधा का स्वरूप यहाँ पर रखा गया है। जो भी श्रद्धालु नोएडा और उसके आसपास के इलाकों के मंदिर में पहुँच रहे हैं कतारों में, उनको कृष्ण भगवान के दर्शन कराए जा रहे हैं। रात 12 बजे जब तक कृष्ण जी का जन्म होगा तब तक इसी तरीके से जो भजन कीर्तन है वो चलते रहेंगे और तमाम जो लोग हैं वो इसी तरीके से दर्शन करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। पूरी जो भीड़ है लोगों की वो आप देख पा रहे होंगे, लगातार जो लाइनें लगा कर लोगों को यहाँ पर दर्शन कराए जा रहे हैं और तमाम लोग लाइनों में लगकर यहाँ पहुँचे भी हैं। कृष्ण जन्माष्टमी है, क्या कहेंगे आज आप? बहुत अच्छा लग रहा है आज मंदिर में आके, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल जो डांस है पूरी तरीके से कृष्ण की भक्ति में लीन होकर तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से कृष्ण की भक्ति में लीन है और खचाखच जो मंदिर परिसर है वो पूरा भरा हुआ है। पुलिस के साथ साथ जो वॉलंटियर हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो और जो लोग दर्शन कर रहे हैं दर्शन करने के बाद उनको सीधे यहाँ से बाहर वाला जो एग्जिट का रास्ता है उससे निकाला जा रहा है। तमाम लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से पूरे देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सबसे ज़्यादा अगर नोएडा की बात की जाए तो इस्कॉन मंदिर में सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है, लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लिहाजा मंदिर समिति की तरफ से, पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई थी और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो एक एक कर अपने परिवार के साथ दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के मौके पर जहां मथुरा और वृंदावन में धूम मची हुई है तो भगवान श्री कृष्ण के ससुराल औरैया के कुंदरपुर में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी पर आपको बता दें कि कुंदरकोट थाना क्षेत्र स्थित 5500 साल पुराने अलोपा देवी मंदिर में अलग ही छटा और धूम देखने को मिली है। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। बताया जाता है लगभग 5,500 वर्ष पूर्व पहले की बात है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए और माँ रुक्मिणी जी को अपने साथ ले गए। 5500 वर्ष पहले की बात है, यहाँ के राजा भीष्मक हुआ करते थे। उस समय उनकी पुत्री रुक्मिणी जी थी तो उनका विवाह, मतलब विवाह के एक दिन पूर्व भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए, उनको अपने साथ लेकर चले गए। उसके बाद इस मंदिर का नाम मालोपा देवी मंदिर पड़ गया। अब यहाँ के जो मान हैं, हमारे कृष्ण जी मान हैं यहाँ के, तो उनके मान के हिसाब से उनको और भी अच्छा दर्जा दिया जाता है। इस वजह से उनको सबसे उच्च दर्जे के साथ उनको और बड़ी खुशी के साथ हम लोग यहाँ उनका जन्म उत्सव मनाते हैं और यहाँ दही हंडी का भी प्रोग्राम होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर के जहां पूरे देश में श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को लेकर के धूम मची हुई, वहीं अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के मथुरा, वृंदावन, बरसाना इत्यादि स्थानों पर अगर धूम मची हुई है तो ऐसे में यूपी का औरैया जनपद भी बचा हुआ नहीं रह सका है। औरैया जनपद को श्री कृष्ण भगवान की ससुराल भी कहा जाता है, जिसे आज से लगभग 5500 वर्ष पूर्व कुंदनपुर नामक स्थान के नाम से जाना जाता था, जहाँ के राजा भीष्मक थे जिनकी पुत्री का नाम था रुक्मिणी। विवाह के एक दिन पूर्व रुक्मिणी देवी इसी मंदिर पर जहाँ पर इस समय हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर आई थी। इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी का हरण कर लिया जाता है। रुक्मिणी जी के हरण के बाद इस मंदिर में स्थापित माता की प्रतिमा अचानक आलोप हो जाती है और उसी दिन से इस मंदिर का नाम आलोपा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को मनाने के लिए, चूंकि श्री कृष्ण भगवान यहाँ के दामाद भी माने जाते हैं, बड़े ही धूमधाम तरीके से उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर जन्मोत्सव 2 दिन के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर दही हांडी का भी प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। औरैया से न्यूज स्टेट के लिए अश्विनी वाजपेयी की रिपोर्ट। और चारों तरफ जन्माष्टमी की धूम है। इस मौके पर कृष्ण की नगरी तो अलौकिक नजर आ ही रही है। इससे पहले प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या भी अछूती नहीं रही। अयोध्या धाम में ठाकुर जी के जन्मोत्सव की धूम साफ तौर पर दिखाई दी। गोकुल धाम का श्री कृष्ण से खास संबंध माना जाता है और यहाँ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खास तैयारी भी रहती है। आइए जानते हैं यहाँ नंदलला के जन्मोत्सव की क्या तैयारी चल रही है। राम की नगरी अयोध्या में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को देखना
बेहद अपने आप में खास है। गोकुल भवन जो अपने एक प्राचीन इतिहास के लिए भी जाना जाता है, यहाँ पर सबसे अच्छी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। महाराज कौशलेश दास जी हैं। कौशलेश दास जी, किस तरीके से यहाँ पे अयोध्या वासियों के लिए गोकुल भवन महत्व रखता है, किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का यहाँ पे महत्व रहता है, कैसे कैसे यहाँ पे वो छवि दिखाई पड़ती है? गोकुल भवन लगभग 100 वर्ष से यहाँ पर स्थापित है और परमहंस श्री बेनी माधव दास जी के भगवान को लीलाएं दिखाई हैं और दो परम सिद्ध महापुरुषों की यह भूमि है, इसलिए गोकुल भवन में भगवान की लीलाएं होती रहती हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यह पौराणिक स्थल भी है। एक पौराणिक स्थल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध का वध करके आए तो यहाँ पर कनक भवन का उद्धार वो भी किया, और जब यहाँ पर सत्या जो राजकुमारी सत्या नग्नजिति जो हुई हैं उनका यहाँ पर स्वयंवर हुआ था, जो नंदी सात नंदियों को एक साथ बांधा गया तो उसमें श्री कृष्ण भगवान ने एक ही बाण से उनको बांधा गया, जिससे इस स्थल का विशेष महत्व है। यहाँ पर ही उनका स्वयंवर और विवाह संपन्न हुआ भगवान श्री कृष्ण का, तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान आए और इस कारण से इसका महत्व विशेष है। 9 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वैसे कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के भजन और उनकी लीलाओं का गायन किया जाता है, और फिर उसके बाद जब 12 बजते हैं, 12 बजने से पहले ही उनका अभिषेक और जो भी पूजा पाठ है वो होता है, और उसके बाद यहाँ पर भगवान की आरती होती है। आरती के साथ ही भगवान के दिव्य दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद दर्शन करने के बाद प्रसाद और वितरण ये सब होता है। क्योंकि ये राम जन्मभूमि के बगल में है, बगल में ही है बिल्कुल, और तो राम जन्मभूमि और कृष्ण जी का स्थल, यहाँ पर राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं माना जाता है। राम कृष्ण दो एक हैं, या में भेद ना कोय, जो कोई भेद लगाए है मुक्ति भक्ति नहीं होए। यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर राम कृष्ण एक ही तत्व को माना गया है। चूँकि राम और कृष्ण अलग अलग भाव की बात है, तो राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। हम आपको इस अयोध्या नगरी से आपको भगवान राम लला के जहाँ पर मंदिर के दर्शन हुआ करते हैं वहाँ से कृष्ण जन्माष्टमी दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, अयोध्या। कानपुर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की काफी धूम देखने को मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर कानपुर के सनातन धर्म मंदिर में सजाई जाने वाली झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए झांकियां लगाई जाती हैं, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सनातन धर्म मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के रूप में स्कूली छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कानपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर तमाम मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। ऐसा ही एक मंदिर है सनातन धर्म मंदिर, जिसे यहाँ की झांकियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की सुंदर झांकियों को देखने के लिए पूरे कानपुर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ की स्वचालित झांकियाँ लोगों का मन मोह लेती हैं। पहली झांकी आपको दिखाएंगे कि बरसाने की होली की झांकी है, किस तरीके से जो गोपिकाएँ हैं वो लाठियाँ बरसा रही हैं, बरसाने की होली यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, और जो गोप हैं वो लाठियों से बचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरी झांकी आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब रुक्मणी का हरण किया तो किस तरीके का नज़ारा उस वक्त रहा होगा, उसे स्वचालित झांकी से दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हैं।